भाई दुनिया भर घूम घूम के बहुत सारी रेसिपीज मैंने सीखी सिखाई और उसके बाद नई नई रेसिपीज आपके लिए बन गई मेरी फेवरेट रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, फेवरेट रेसिपीज जो है वो ऐसे ही नहीं बनती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, चूज करना पड़ता है और उसके साथ में एक चीज और ध्यान देनी पड़ती है कि रेसिपीज ऐसी हों जो ऐसी बने कि आप लोग सीख सकें और उसके बाद बनाकर आप अच्छी तरह से उसे जब किसी को बना के खिलाएं तो लोग खुश हों। खुश नहीं होंगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, तो मज़ा पूरा लेते हैं। ये जो रेसिपी है, क्योंकि मैं सिंगापुर मलेशिया इस रीजन में बहुत घूमता हूँ, तो ये जो रेसिपी है ये मलेशिया में भी बनती है, सिंगापुर में भी बनती है, लेकिन मैंने सिंगापुर में ज़्यादा खाई है। अब रेसिपी कौन सी है? सैलेड है, नाम है रोजा। अब वहाँ पर जिस तरह से बनती है और हमारे यहाँ पर जैसे मैं बनाऊँगा फ़र्क है, वो इसलिए क्योंकि कुछ इन्ग्रीडियंट्स हमारे यहाँ पर आसानी से मिलते नहीं हैं और इसे मैं पूरा वेजिटेरियन बनाऊँगा। तो फ्रूट्स के साथ में क्या क्या डलता है, क्या बनाना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन। चलिए, इसके लिए जो मुझे चाहिए वो ये रहा। इसमें मुझे चाहिए थोड़ा कुकुम्बर, ये देखिए, घुमाते जाएँ काटते जाएँ ताकि इसका शेप देखिए आप जो किस तरह से कट रही है, नॉर्मल ये नहीं है। तो ये, और अब पाइनएप्पल मेरे पास है, फ्रेश पाइनएप्पल, ताज़ा अनानास। वैसे आजकल बहुत सहूलियत हो गई है, बाज़ार में से इस तरह से कटा कटाया मिलता है तो कितना आसान है। ये हम ले लेते हैं, बीच का हिस्सा जो है वो नहीं चाहिए, ये निकाल दिया, ये देखिए इस तरह से। अब वहाँ पर जो ये रोजा मिलता है उसमें कुछ लोग तो ब्रेड को फ्राई करके डालते हैं और कुछ लोग इसके अंदर डालते हैं बीन कर्ड को फ्राई करके, डीप फ्राई करके। मैं दोनों में से कुछ नहीं डाला, नहीं, ब्रेड डाल रहा हूँ, लेकिन ब्रेड को मैंने क्या किया है, ये ब्रेड जो है देखिए क्रिस्प ब्रेड, इसे हल्का सा मैंने, इसे देखिए थोड़ा सा तेल डालकर इसे क्रिस्प बनाया, हल्का लाल कर लिया, डीप फ्राई नहीं किया। तो अगर सैलेड ही खा रहे हैं और उसमें तला हुआ खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और अब बारी आती है इसकी ड्रेसिंग की। अच्छा, इसकी ड्रेसिंग में क्या क्या पड़ता है? इसकी ड्रेसिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो चिलीज, फ्रेश रेड चिली, तीखा कितना खाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, तो ये तीखी लाल मिर्चें। और अब इसमें खटाई, ये बहुत ज़रूरी, और ये जो खटाई है ये है इमली की, टैमरिंड, तो ये टैमरिंड इसके अंदर ये लीजिए। और उसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं मिठास, और ये मिठास इसमें आएगी ये चीनी से ब्राउन शुगर, ये लीजिए ब्राउन शुगर इसके अंदर, और उसके साथ साथ इसमें डालेंगे नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, लेकिन सॉल्ट मैं थोड़ा सा कम रख रहा हूँ क्योंकि एक और चीज़ अभी मैं डालूंगा, लेकिन पहले जरा इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेता हूँ। ये मिक्स कर लिया हमने सारी चीज़ों को, और अगर आपको ऐसा लगे कि इसका रंग थोड़ा डार्क नहीं आ रहा क्योंकि इसमें श्रिंप पेस्ट वगैरह भी नहीं हमने डाली है, तो इसमें मैं एक चीज़ रिप्लेस कर देता हूँ, वैसे नहीं डालते हो, थोड़ी सी सोया सॉस। इससे क्या होगा कि ये जो ड्रेसिंग है इसका रंग थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, ये देखिए रंग इसका गाढ़ा हो गया, टेस्ट भी आएगा उसका। तो ये डाल दिया हमने इसके अंदर, और अब इसमें हमने डालना है ये है रोस्टेड पीनट्स, ये इसके अंदर, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारे पास कुकुम्बर और पाइनएप्पल है ये ले लेते हैं, और इसे सबको ले लीजिए। चलिए, ये हमने ले लिया, और ब्रेड कहाँ है? ब्रेड ये, जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग इसमें फ्राई करके ब्रेड को डालते हैं, लेकिन वो जो ब्रेड है वो थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए, जिसमें बहुत मतलब हैवी ब्रेड ना हो, उसको डीप फ्राई करके डालते हैं, लेकिन वैसे नहीं मैं डाल रहा हूँ। और वैसे इसके अंदर लोग फ्राइड जो टोफू है इसके अंदर बीन कट फ्राई करके वो डाला जाता है, चलिए वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राइड चीज़ों को बाहर रख रहा हूँ। तो ये ब्रेड इसके अंदर, और फिर ये
तीखी वाली ड्रेसिंग, ये जो ड्रेसिंग है ये इसके अंदर, और अब इसे मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। ये देखिए, और इसे जरा अच्छी तरह से मिलाएं। ये चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद ये जो है हमारा सैलेड तैयार हो गया। अब मलेशियन है, सिंगापुर का है, कहाँ का भी है, इसे हमने हिंदुस्तानी स्टाइल में बनाया ताकि आप लोग बना सकें घर में। मुँह में पानी आ रहा है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी तीखा होगा। कोई बात नहीं, चख के देख लेते हैं। उतना भी तीखा नहीं है जितना मैंने सोचा था। अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो लाल मिर्च और डालिए। पानी दो, पानी दो। रोजक की ड्रेसिंग बनाने के लिए लाल मिर्च, इमली का रस, ब्राउन शुगर और डार्क सोया सॉस को एक कटोरे में मिलाएं और इसमें मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब पाइनएप्पल, खीरे और ब्रेड क्यूब्स को एक दूसरे कटोरे में रखें, उसके ऊपर ये ड्रेसिंग डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और तुरंत सर्व करें।